डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना संस्कृत में लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लंग लकार। लंग लकार प्रथम पुरुष। लंग लकार आता है हमारा भूतकाल में। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो बीत चुका है। तो हम लंग लकार के जो रूप हैं उनको हम भूतकाल में प्रयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में भूतकाल का ही वर्णन है और जितने भी सेंटेंस हैं उनमें भूतकाल का लंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बालह अपठत, बालह लड़का, अपठत माने पढ़ा, तो लड़का पढ़ा। बालव अपठता, दो लड़के पढ़े। बालह अपठन, बहुत सारे लड़के पढ़े। बालिका अपठत, एक लड़की पढ़ी। बालके अपठता, दो लड़कियां पढ़ी। बालिका अपठन, बहुत सारी लड़कियां पढ़ी। प्रदीप है पुस्तके अपठत, प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। संदीप है पुस्तकानी अपठत, अब संदीप है पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तक, संदीप ने बहुत सारी पुस्तक पढ़ी। प्रदीप संदीप च पुस्तकानी अपठता, प्रदीप और संदीप ने पुस्तकें पढ़ी। तव पुस्तकानि अपठताम, तव माने वो दोनों, तो उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी। तन्मय प्रदीप च पुस्तकम अपठताम, तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। नरौ अगच्छताम, नरौ माने दो आदमी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रथम पुरुष है उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का प्रयोग है। तो नरौ दो आदमी, अगच्छताम गए, दो आदमी गए। तव अगच्छताम, तव वे दोनों अगच्छताम गए, वे दोनों गए। अतुल लेखम अलिखत, अतुल ने निबंध लिखा। सह लेखम अलिखत, उसने निबंध लिखा। अनिल गृहम अगच्छत, अनिल घर गया। बाला अपिबन, अब ये हमारा बहुवचन है। बाला अनेक बालकों ने, अपिबन माने पिया, अनेक बालकों ने पिया। ते अपिबन, उन सब ने पिया। क्षितिज पाठम अस्मरत, अस्मरत माने, स्मरत माने होता है याद करना, और आ लग गया तो भूतकाल का बन गया। क्षितिज ने पाठ याद किया। निखिल निर्मलम जलम अपिबत, निखिल ने निर्मल मतलब साफ जलम पानी अपिबत पिया, निखिल ने साफ पानी पिया। गौरव है उद्यानम अगच्छत, गौरव उद्यानम बगीचे में, अगच्छत गया, गौरव बगीचे में गया। सह तत्र पुष्पम अपश्यत, तत् अजिग्रत चा, सह उसने तत्र वहाँ पर पुष्पम अपश्यत फूल देखे, तत् और उनको अजिग्रत सूंघा, तो उसने वहाँ पर फूल देखे और उन्हें सूंघा। गौरव अतुल च विद्यालयम अगच्छताम, गौरव और अतुल विद्यालय गए। तत्र च अपठताम, च माने और, तत्र माने वहाँ पर, अपठताम माने पढ़े और वहाँ पर पढ़े। तव लेखम न अलिखताम, तव उन दोनों ने लेखम निबंध न नहीं, अलिखताम माने लिखा, तो उन दोनों ने निबंध नहीं लिखा। सायं तव उद्याने अखेलताम, सायं शाम को, तव वे दोनों उद्याने बगीचे में अखेलताम खेले, शाम को वे दोनों बगीचे में खेले। बालह क्रीडंती, लड़कियां खेलती हैं। छात्रः अक्रीडन, छात्र खेले। ते अक्रीडन, वे सब खेले। ते अखेलम, वे सब खेले। अब हम जब खेलने की धातु में अखेलन खेल धातु भी हो सकती है, अक्रीड क्रीड धातु का भी प्रयोग हो जाता है। सारिका प्रियंवदा च पाठम अस्मरताम, सारिका और प्रियंवदा ने पाठ याद किया। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, फलानि च आनयताम, सायंकाले शाम के समय, ते वे दोनों आपणम अगच्छताम बाजार में गईं, फलानि च आनयता और फल लेकर आई। यहाँ पर आपको ते माने पुरलिंग में हमारा, ते माने वे सब होता है, और स्त्रीलिंग में हमारा ते मतलब
वेदौना हो जाता है। उद्याने वृक्षः आसन, उद्याने बगीचे में वृक्षः अनेक पेड़ आसन थे, बगीचे में अनेक पेड़ थे। राधिका उद्याने अभ्रमत, राधिका बगीचे में घूमी। तत्र एकम पत्रम अपतत, फलम च न अपतत। तत्र माने वहाँ, एकम एक, पत्रम अपतत पत्ता गिरा, वहाँ पर एक पत्ता गिरा, फलम और फल न अपतत नहीं गिरा। विपुल विशाल च अद्य विद्यालय न अगच्छताम, विपुल और विशाल अद्य आज विद्यालयम विद्यालय न नहीं अगच्छताम माने गए, विपुल और विशाल आज विद्यालय नहीं गए। तौ धावन प्रतियोगितायाम अधावताम, वे धावन दौड़, वे दोनों दौड़ने की प्रतियोगिता में अधावताम दौड़े, वे दोनों दौड़ने की प्रतियोगिता में दौड़े। तत्र क्रमशः प्रथमम द्वितीयम च स्थानम अविन्दताम, वहाँ पर क्रमशः उन दोनों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, मतलब विपुल का स्थान प्रथम आया और विशाल का द्वितीय स्थान आया। दीपक प्रदीप च भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम, दीपक और प्रदीप भ्रमणाय घूमने के लिए कुत्र माने कहाँ अगच्छताम गए, दीपक और प्रदीप घूमने के लिए कहाँ गए। तौ भ्रमणाय मनाली नामना पर्वत स्थलम अगच्छताम, तौ वे दोनों भ्रमणाय घूमने के लिए मनाली नाम के पर्वत स्थल पर गए। रोहणे रोयते अतुले च उद्यानम अगच्छन तत्र अक्रीडन च, रोहण रोहित और अतुल बगीचे में गए, तत्र अक्रीडन च और वहाँ पर खेले। ता बाला तत्र अधावन, वो बच्चे वहाँ पर दौड़े, बाला लड़के हैं और ये कई हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो यहाँ बाला आया है बालकों के लिए, तो वे सब बालक वहाँ पर दौड़े। बाला जनकम अनमन, बालकों ने जनकम पिता को अनमन माने नमस्कार किया। ते छात्रा गुरुम अनमन, उन छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो मैंने अर्थ पढ़ाया है उसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे उस अर्थ को, और जो ये शब्द अर्थ हैं ये मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, यदि इमेज क्लियर नहीं आती है। शब्द अर्थ आपको लर्न करने हैं।